ये आज का डेली लीट कोड चैलेंज है 11 दिसंबर का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में है कि बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, यानी कि तुम्हें क्या करना है, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि इसका जो पाथ होगा उसका मैक्सिमम सम क्या होगा उनके नोड्स का। जैसे कि इसका मैक्सिमम पाथ क्या हो सकता है, देखो 2 1 3, ये पूरा पाथ 2 से लेकर 3 तक का। एक पाथ तो ये भी हो सकता है 1 से 3 का, एक पाथ ये भी हो सकता है 2 से 1 का, लेकिन जो मैक्सिमम पाथ है जिसका सम भी मैक्सिमम है वो है ये वाला पाथ, ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो गया। देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें तो इसका मैक्सिमम पाथ देखो ये वाला हो सकता है, इसमें 3 नोड है, या तो ये वाला हो सकता है, ये वाला की सोच रहे हो, अगर ये वाला सोचोगे, लेकिन यहाँ पे -10 है, तो इसको जब जोड़ के देखोगे कितना होगा, 10 19 26, लेकिन इन तीनों को जोड़ के देखो 35 और 7 42, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा मैक्सिमम संपात, ठीक है। मैक्सिमम संपात वो वाला पाथ होगा जिसका मतलब सम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसमें देखो नेगेटिव वैल्यू होगी तो वहां पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो करना कैसे है इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट देके समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ये मैंने अलग अलग तीन एग्जाम्पल लिए। देखो पहले एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम संपात क्या होगा तुम्हारा, तो देखो मैक्सिमम संपात जो है तो तुम कैसे डिसाइड करते हो कर सकते हो कि मैक्सिमम संपात इसका क्या होगा। देखो इसका ऐसा भी हो सकता है कि तुम सोचो कि 9 6 8 4 7 इसको ले लो और ये मैक्सिमम संपात हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, तो जोड़ के देखना पड़ेगा। तो देखो इसको जोड़ोगे तो 8 6 14 और 7 21 और 9 हो जाएगा तुम्हारा पूरा 30। इसको जोड़ सकते हो, या तो तुम अगर ए वाला पाथ लेते हो तो ये वाला पाथ कम आएगा, तो यानी कि तुम्हारा ये वाला पाथ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम संपात। बाकी तुम देख लो 9 और ये होगा नहीं, 14 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव है, तो ये और कम कर देगा, और अगर इसको ले लोगे तो ये और कम कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी पाथ होगा ऐसा नहीं कि उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम संपात उसमें जो है नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो हमारा संपात होगा देखो वो ये जो रूट है इस रूट को कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो इस वाले एग्जाम्पल में हो सकता है तुम्हारा ये रूट को कंटेन करे या ना भी करे, ठीक है। जैसे इसमें है, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने 18, अब बताओ रूट को कंटेन, जैसे मान लो इसको मैंने बना दिया -5, अब बताओ रूट को कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देखो फिर क्या होगा तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम संपात, ठीक है। मैक्सिमम संपात ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैक्सिमम संपात जो है एक ही पात का हो सकता ना, ऐसा थोड़ी कि इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, ठीक है। या तो ये हो सकता था, ठीक है, ये भी होता हो सकता था, लेकिन जब इसको जोड़ के देखोगे तो ये ज़्यादा बैठेगा, तो ये वाला हो गया मैक्सिमम संपात, ठीक है। तो मैक्सिमम संपात हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम संपात जो है किसी भी एक डायरेक्शन से हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से भी ये जा रहा है इधर से भी जा रहा है, या तो इधर से होगा या तो ऐसे इस तरीके से जाएगा या तो इस तरीके से जाएगा, रूट हो भी सकता है उसमें, रूट नहीं भी हो सकता है। और मान लो सारे अगर नेगेटिव है तो तुम्हें 0 तो रिटर्न नहीं करना है, अगर सारे नेगेटिव है तो तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे, जो नेगेटिव में सबसे कम है सिर्फ वही वाला रिटर्न कर दोगे, तो सिर्फ -2 रिटर्न करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। इसका आंसर तुम देखोगे तो इसका आंसर भी कर सकते हो ये वाला, और इसका आंसर इनको जोड़ के आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमने एग्जाम्पल देखा, तो इससे क्या डिसाइड किया कि जो हमारा सम है उसमें नेगेटिव इंक्लूड हो सकता है, सारे नेगेटिव है तो सबसे छोटा वाला नेगेटिव जो होगा उसी को रिटर्न करना है। और अगर तुम्हारा जो भी सम होगा उसमें तुमने क्या देखा कि जो भी सम है वो तुम्हारा किसी एक साइड से जा सकता है, कि या तो इस साइड से जाएगा या तो इस साइड से जाएगा या तो इस तरीके से किसी भी नोड से मुड़ सकता है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा रूट होगा वो शामिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखो ये जो है इस तरीके से, जैसे मान लो तुमने एक दूसरा बना लिया, ठीक है, एक दूसरा बना लिया जिस तरीके से, जैसे मान लो तुमने बना लिया 5 3 -6 हाँ 10, और इधर बना लिया मान लो 50 माइनस का, और इधर बना लिया मान लो 20, और इधर से मान लो तुमने बना लिया, हाँ तुम्हारा इधर कितना बना लिया तुमने, इसको मान लो कि तुमने 2 बना लिया, 2 से 2 बना लिया -3 एंड 5 बना लिया, और मान लो इससे 7 बना लिया। अब ये भी एक तरीके का ट्री बना लिया मैंने। अब देखो इस ट्री में क्या अगर तुम सोचोगे तो इस ट्री का जो तुम्हारा मैक्सिमम सम होगा वो सोचो कि क्या होगा। देखो 2 है और 5 है, 2 है और 5 है,
और इधर भी है, ये माइनस का 6 है ना। तो देखो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें इस रूट को भी शामिल करना है तो इधर वाले जो सबसे ज़्यादा होगा वो, और इधर वाला जो सबसे ज़्यादा होगा वो वाला तुम नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो इधर सबसे ज़्यादा, इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा सम किसका आएगा, सबसे ज़्यादा सम इधर वाले पार्ट में आ जाएगा तुम्हारा किसका, अगर तुम किसका सम ले लोगे, अगर तुम ले लोगे इतने का सम लोगे तो, ठीक है, अगर तुम इतने का सम लोगे तो 20 और 10 हो जाएगा 30, इसको जोड़ोगे तो और कम हो जाएगा। तो तुम क्या सोचो कि अगर मैं इन दोनों को ही ले लूं और इसका आंसर इसमें जोड़ के, मतलब कि ये और इधर वाला 5 जुड़ जाएगा और इधर 8 2 5 7 जैसा जुड़ जाएगा, तो ये वाला मेरा पूरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हें किसी भी नोड से, जैसे एक नोड है, किसी भी नोड से अगर कोई भी सम पास हो रहा है तो उसका लेफ्ट वाला जो है उसके जस्ट रिसेंट वाले से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जो है वो इस तरीके से पास होगा। अब देखो ये जो 20 और 10 है, तुम इस वाले को इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हें अगर 5 को जोड़ना है तो तुम्हें यहाँ से जाके इस तरीके से इस पूरे को लेना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे को इस तरीके से लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या बताया, ये जो है कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। तो देखो अगर मान लो, अगर मान लो कि ये 5 जो है माइनस का 5 होता, अगर मान लो ये माइनस का 5 होता तब भी जोड़ते क्या, तो जोड़ते कि नहीं ऐसे इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इधर लेफ्ट वाला और इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, अगर वो यानी कि नोड का वैल्यू, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें नोड का जो वैल्यू है, देखो रूट का जो वैल्यू है वो और लेफ्ट वाले का जो भी सम आया वो प्लस जो राइट वाले का सम आया वो, अगर ये तीनों चीज, मान लो कि लेफ्ट वाले का भी तो एक पर्टिकुलर सम होगा, तो अगर लेफ्ट वाला भी एक पर्टिकुलर होगा और राइट वाला भी एक पर्टिकुलर होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि राइट वाला जो, जैसे राइट वाला था, राइट वाला ये था सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, लेकिन तुमने देखा कि इस राइट वाले का इस वैल्यू इसमें होगा, मान लो कि लेफ्ट वाले का वैल्यू जो है ये वाला -2 है, तो लेफ्ट वाले का यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो तुमने राइट वाला तुम्हारा अलग हो सकता है, लेफ्ट वाला अलग हो सकता है, और तुमने सोचा कि मान लो ये अगर मान लो तुम्हारा 25 होता, हो सकता है कि अब तुम जब पूरे को जोड़ लो तब तुम्हारा इस पूरे वाले का आंसर सबसे बड़ा हो जाए। तो यानी कि तुम्हारा आंसर तीन तरीके से हो सकता है, या तो तुम्हारा आंसर सिर्फ पूरे का पूरा लेफ्ट में होगा, या तो तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा राइट में होगा, या तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो किसी एक रूट से पास होते हुए जा रहा होगा, यानी कि इस रूट का जो है, इस रूट का वैल्यू और इसके लेफ्ट में, इसका जब लेफ्ट लोगे तो क्या लोगे, इसको पूरा लेना पड़ेगा, तो इस लेफ्ट का वैल्यू प्लस इस राइट का वैल्यू, इस राइट का वैल्यू जो भी था इस राइट का वैल्यू, समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जो भी तुम्हारा होगा किसी भी एक नोड के सापेक्ष, मतलब देखो ऐसा हो सकता है इस तरीके से, अच्छा इसका जो है वो किसी एक नोड के मतलब लिए टर्न हो रहा होगा, किसी एक नोड से टर्न हो रहा होगा, ठीक है, तो कंप्लीट कंडीशन जो होगा वो कंप्लीटली लेफ्ट में हो सकता है, कंप्लीटली राइट में हो सकता है, या तो किसी उस किसी नोड से टर्न लेगा, ठीक है, या तो तुम्हारा जो है किसी नोड से वो टर्न लेगा। अच्छा अब देखो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें क्या करना है, तो ए वाली चीज़ तो तुम जो भी होगा इसको तो तुम आंसर इक्वल्स टू मैक्स में इसको रख लोगे, कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसको मैक्स में स्टोर कर लोगे। जैसे कि मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो ए वाली ट्री है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम 5 में जाओगे, जैसे इसमें देखो 25 है, 25 में गए तो 25 के लिए तुमने क्या किया, लेफ्ट कॉल करा दिया, राइट कॉल करा दिया और इसका जो है आंसर कॉल करा दिया, है ना। अब जब तुम आंसर कॉल करा दोगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाले का वैल्यू वो कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वो लेफ्ट कॉल कराएगा, राइट कॉल कराएगा, ठीक है। तो एक एक नोड के लिए हम ये चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट का आंसर क्या है, राइट का आंसर क्या है, और अगर उसको साथ में लेके करते हैं तो आंसर क्या है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम आंसर में डाल देंगे। और देखो और एक देखो चीज, देखो और तुम्हें क्या चाहिए, देखो लेफ्ट का वैल्यू क्या है वो तो तुम जैसे 7 और 5 है मान लो, तो लेफ्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है, राइट का वैल्यू क्या था 10 और 20 30 था, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को अगर तुम्हें काउंट करना है कि रूट का वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट, ये लेफ्ट और राइट अलग हो जाएगा, ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट नहीं है, ये लेफ्ट क्या है, ये इसको यूनिपाथ मान लो, इसको मान लो यूनि लेफ्ट और यूनि राइट। यूनि का मतलब क्या हुआ, यूनि का मतलब है देखो
लेफ्ट का मतलब तो कि इस लेफ्ट में किसी भी हिस्से का सम हो सकता है, किसी भी पाथ का सम हो सकता है, और यूनिपाथ का मतलब है कि वो एक यूनिडायरेक्शन में होता हुआ इस रूट तक पहुंचना चाहिए, यूनिडायरेक्शन में होता हुआ इस रूट तक पहुंचना चाहिए, तभी तो यूनिडायरेक्शन होकर इस वाले पाथ से पाथ बनाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, मतलब कि 7, 5 को भी ले लिया, माइनस 3 से भी उसको सम करके ले लिया, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन हो सकता है तुम्हारा जो बन रहा हो वो लेफ्ट जो वाला लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो डायरेक्टली नोड से कनेक्टेड नहीं है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ये यूनिपाथ नहीं होगा, तो फिर उस वाले सम को तुम डायरेक्टली इससे नहीं जोड़ सकते। तो अगर इससे अगर डायरेक्टली जोड़ना है तो तुम्हें यूनिपाथ को अलग से रिटर्न करना पड़ेगा, यानी तुम्हारा जो यूनिपाथ लेफ्ट होगा वो क्या होगा 7, 5 और -2 होगा, ठीक है 7, 5 और -2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो तुम्हारा यूनिपाथ का वैल्यू जो होगा 10 होगा। अब देखो 20 और 10 था, लेकिन अगर तुम्हें इसको यूनिपाथ बनाना है तो -6 और 3 यानी कि इसमें -3 और करना पड़ेगा, यानी कि 27 जो होगा वो तुम्हारा यूनिराइट का मतलब वैल्यू होगा, और तुम्हारा लेफ्ट क्या होगा 12, राइट क्या होगा 30। अब इन तीनों में जो बड़ा है, इन तीनों में जो बड़ा रूट का वैल्यू कितना था 25, तो ठीक है देखो इसमें क्या होगा 25 प्लस का 10 प्लस का 27 और तुम्हारा क्या 12 और 30, तीनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। कई बार हो सकता है ये वाला बड़ा होगा, कभी ये वाला बड़ा हो सकता है, कभी ये वाला बड़ा हो सकता है। अब रही बात कि इन दोनों वैल्यू को कैसे रिटर्न करेंगे, देखो हमें दो चीज़ रिटर्न करनी है किसी भी नोड को, ठीक है। एक तो उसके लेफ्ट में जितना भी, एक तो उसके लेफ्ट में जो है उसका जो भी लेफ्ट होगा उसके लेफ्ट, ये वाला 12 रिटर्न करना है। इसको मान लो हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे कि उसका जो है लेफ्ट का वैल्यू मान लेंगे, ठीक है, और इसको मान लेंगे राइट का वैल्यू, और यूनिपाथ का वैल्यू और यूनिराइट का वैल्यू। तो देखो एक नोड तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, दो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पेयर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। किसी भी नोड को हमें दो चीज़ रिटर्न करनी है, ठीक है, तो हम क्या किसका यूज़ करेंगे, तो हम पेयर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, पेयर का यूज़ कर लेंगे इंट कॉमा इंट टाइप का, ठीक है। पहला वाला क्या पास करेगा, पहला वाला है हमारी उस किसी भी नोड के लेफ्ट में जितना भी मैक्सिमम यूनिसम बन सकता है, जितना भी मैक्सिमम बन सकता है वो उसका वैल्यू। और यूनिपाथ का मतलब क्या है कि वो चाहे कुछ भी बने लेकिन हम उसका सिंगल एक यूनिडायरेक्शन लेते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसका क्या आंसर होगा वो, ठीक है। इस वाले राइट वाले में भी सेम चीज़ होगा, एक तो होगा तुम्हारा मैक्सिमम जो भी पाथ बन सकता है वो, और उसमें से यूनिपाथ वाला जो बन सकता है वो हम इसको रिटर्न कर, दोनों चीज़ रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एक पेयर बना लेना है, ओके, पेयर बनाना है। अब तुम्हें क्या करना है, कॉल भी करना है। तो देखो तुम्हारा मान लो कि तुम्हें एक गेट मैक्स पाथ दिया रहा, देखो मैं समझाता हूँ, अच्छे से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें रूट होगा मान लो, पूरा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, समझ आ दे रहा हूँ बस। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एक पेयर बना लो, ठीक है, एक पेयर बना लो इंट कॉमा इंट टाइप का, ठीक है। इसको रिटर्न करने के लिए ये मान लो कि लेफ्ट, देखो पेयर जो बनेगा, देखो जो तुम्हारा पेयर बनेगा वो दो तरीके से बनेगा पेयर, एक तो इस वाले का एक पेयर बनेगा 12 और ये 10 का, और एक बनेगा इस 30 का और इस 27 का, दो पेयर बनेगा 10 और 12 ये रिटर्न करेगा, 30 और 27 ये रिटर्न करेगा 25 को, ये 25 को रिटर्न करेगा, ये दोनों 25 को पेयर रिटर्न करेगा। फिर क्या करेगा 25 क्या करेगा कि 10 को 25 को 27 को जोड़ लेगा और 12 और 30 तीनों को कंपेयर करा कर वहाँ पर डबल उड़ाल देगा। तीनों कंपेयर क्यों करा रहे हैं वो हमें मैंने समझा दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुमने क्या किया, एक लेफ्ट सब ट्री बना लिया, उसमें तुम क्या करोगे कि तुमने रूट के लेफ्ट को कॉल करा के जो भी मिला तुम्हें, तो रूट के लेफ्ट को कॉल करो, इसी को यहाँ पे लिख देंगे तो गेट मैक्स पाथ और रूट का लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि रूट के लेफ्ट को कॉल कराया और रूट के लेफ्ट ने जो भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, कैसे रिटर्न करेगा मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन रूट के लेफ्ट जो भी रिटर्न करेगा तुम्हारा वो तुम्हें कहाँ असाइन होगा, वो तुम्हें असाइन हो जाएगा इस वाले पेयर में, लेफ्ट सबट्री वाले में। तो सेम तरीके से दूसरा पेयर बना लेते हैं जो राइट वाले का होगा, इसमें क्या होगा RST। अब क्या होगा, गेट मैक्स पाथ है ना, तो सेम तरीके से अब राइट के लिए कॉल करा दो, गेट मैक्स पाथ रूट राइट के लिए कॉल करा दो, ठीक है। ये रूट राइट के लिए कॉल हो गया, मैं कोड करके दिखाऊंगा इसमें एकदम डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए कॉल कर रहा है, जो भी असाइन होगा वो LST में आ गया, इसमें भी आ गया, तो LST एक पेयर है, RST एक पेयर है,
ठीक है। अब देखो एलएसटी के पहले वाले में क्या है, एलएसटी का जो देखो यहाँ पे देखो, एलएसटी के पहला वाला जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए होगा 12, यानी कि जो मैक्स पाथ है यानी कि, और जो सेकंड वाला होगा वो हमारा यूनिपाथ होगा। पहला वाला क्या होगा वो मैक्सिमम वाला राइट होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो यूनिपाथ होगा हमारा, ठीक है। देख लो यूनिपाथ मतलब समझ गए, यूनिपाथ है कि किसी एक डायरेक्शन को लेकर चलना है हमें बस, ओके। तो देखो कैसे रिटर्न करना है चीज़ों को वो लिखते हैं। देखो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मैक्सिमम पाथ था ठीक है, तो उसको एक जैसे मान लो इंट मैक्स पाथ, मैक्स पाथ ठीक है, मैक्सिमम पाथ इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ किस 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 चीज़ का हो जाएगा, देखो मैक्स ऑफ तीन चीज़ होगा, या तो तुम्हारा क्या होगा रूट का वैल्यू ये होगा प्लस प्लस, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए था इसमें, रूट का वैल्यू चाहिए था और तुम्हें चाहिए था क्या जो लेफ्ट सब ट्री है उसका फर्स्ट चाहिए या सेकंड चाहिए। देखो लेफ्ट सब ट्री का कौन सा वैल्यू चाहिए था, रूट के वैल्यू के साथ क्या जोड़ रहे थे एक बार दिखाता हूँ। देखो रूट का वैल्यू है, रूट के वैल्यू के साथ तुम क्या जोड़ रहे थे, यूनिपाथ जोड़ रहे थे, और यूनिपाथ मैंने बताया मैंने कहाँ पे रखा है यूनिपाथ को, यूनिपाथ को मैंने सेकंड पे रखा है ठीक है। मैक्सिमम को देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम को हमने यहाँ पे रखा है और यूनिपाथ वैल्यू को हमने यहाँ इसमें रखा है ठीक है। कैसे आ रहा है वो अभी दिखाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ है यहाँ पे है, यूनिपाथ कहाँ है सेकंड पे है। तो पेयर का सेकंड कैसे निकालते हुए, पेयर का नेम डॉट सेकंड से, तो तुम्हें क्या चाहिए इसमें डॉट सेकंड चाहिए और तुम्हें आरएसटी का भी सेकंड चाहिए। मैंने इसमें क्या करा, और ये तुम्हारा एक हो जाएगा, ये तुम्हारा एक चीज़ हो गई ठीक है, इसको तुम ब्रैकेट में रख सकते हो कॉमा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले को, तो रूट का वैल्यू यूनिपाथ, रूट का वैल्यू और यूनिपाथ यानी कि इसको भी जोड़ता हुआ ये वाला पाथ, इस माइनस सिक्स और थ्री को जोड़ता हुआ ये वाला पाथ, उसमें रूट का वैल्यू जोड़ा, तो या तो तुम्हारा ए आंसर होगा, या तो तुम्हारा ए 12 आंसर होगा, या तो तुम्हारा 30 आंसर होगा। 12 कहाँ है, पेयर के फर्स्ट वाले में है, या तो तुम्हारा एलएसटी का फर्स्ट या तो तुम्हारा आरएसटी का फर्स्ट ठीक है। और ये तुम्हारा जो है इसको तुम क्लोज कर दो, और इस तरीके से तुम्हारा इसमें आ गया। अब तुम्हें यूनिपाथ भी चाहिए, यूनिपाथ चाहिए, यूनिपाथ तुम्हें कैसे मिलेगा, तो देखो इंट यूनिपाथ, जो यूनिपाथ मतलब कि एक सिंगल जो पाथ होगा वो कैसे निकालना है। देखो यूनिपाथ तुम्हारा कैसे निकलेगा, यूनिपाथ तुम्हारा निकलेगा जो भी तुम्हारा रूट का वैल्यू है, जो भी तुम्हारा रूट का वैल्यू है प्लस प्लस उसका सेकंड वैल्यू जोड़ लो, उसका दोनों का सेकंड वैल्यू को जोड़ लो, समझ में क्या कह रहा हूँ। अच्छा चलो देखो यूनिपाथ को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। देखो यूनिपाथ का मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पर है तुम्हारा 3, यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे मान लो 6 और यहाँ पे मान लो 2, और तुम यहाँ पे मान लो माइनस का 1 और इधर मान लो 2, इधर मान लो माइनस का 3। अब देखो इस वाले में तुम यूनिपाथ का क्या मतलब है, जैसे मान लो इस वाले नोट की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, यूनिपाथ का क्या मतलब होता है, यूनिपाथ का मतलब होता है कि तुम्हें अब यूनिपाथ रिटर्न करना है। तो देखो यूनिपाथ रिटर्न करने के लिए तुमने क्या करा, देखो मैक्स इधर वाला वैल्यू है, इधर वाला एक वैल्यू है ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इधर से जो भी रिटर्न हो रहा है इधर से, तो तुम दो क्या करोगे, कंपेयर करोगे ना कि इन दोनों में, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि इन दोनों को लेके ऐसे करके यूनिपाथ रिटर्न करो, या तो इधर वाला लोगे या तो इधर वाला लोगे। तो अगर इधर जो बड़ा होगा वही लोगे, तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले इसको इसको क्या रिटर्न करोगे, इसको रिटर्न क्या करोगे, इसको रिटर्न तुम करोगे कि सबसे पहले तो ये इसके रूट की वैल्यू तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले को अगर रिटर्न करना है कुछ भी तो उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है, और उसके लेफ्ट वाला और राइट वाले में से जो मैक्स होगा उसको जोड़ना है, जिसका सब मैक्स होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि यूनिपाथ क्या होगा, यूनिपाथ बराबर हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तो रूट का वैल्यू होगा ठीक है, रूट का वैल्यू और प्लस उसमें क्या जुड़ेगा, मैक्स ऑफ जो बड़ा है, इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो जैसे 6 है और 2 है, दोनों में से जो भी बड़ा होगा मान लो कि लेफ्ट वाला राइट वाला, और ये जो लेफ्ट और राइट है ये किस में स्टोर था हमारा, हमारे पेयर में किस में स्टोर था, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यूनिपाथ वैल्यू को, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, यूनि लेफ्ट को जोड़ रहे हैं, यूनि राइट को जोड़ रहे हैं ठीक, और कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। और यूनि लेफ्ट और यूनि राइट हमारा किस में था, हमारे सेकंड वाले में था, सेकंड वाले में आ कैसे रहा अभी एक लाइन भी समझ जाएगा वो तो, लेकिन समझो इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा मैक्सिमम था, वो मैक्सिमम हो सकता है कि इधर मान लो कि 2 है, इधर मान लो कि माइनस का 6 है, तो उससे दिक्कत नहीं है,
दिक्कत उससे नहीं। देखो अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि हमारा मैक्सिमम 8 हो रहा होता और यहाँ पे मान लो -6 होता, ठीक है। तो अगर -6 होता तो इस इधर इसका लेफ्ट जो है 5 का लेफ्ट कितना आंसर दे रहा होता, 5 का लेफ्ट आंसर दे रहा होता 2, दो आंसर दे रहा होता। लेकिन इसको दो रिटर्न नहीं करता, इसको क्या करता है ये, इसको क्या करता, देखो इसको दो रिटर्न नहीं करता। तो इसके दो दो तरीके का वैल्यू होता, इसका एक तो दो होता, एक तो यूनिपाथ वैल्यू होता। यूनिपाथ वैल्यू इसका क्या होता कि 2 होता और -6 होता, यानी कि -4 यूनिपाथ वैल्यू होता इसका। वो कैसे होगा वो मैं भी दिखा रहा हूँ। लेकिन ये क्या करता, -4 देता है इसको और ये क्या देता, 2 देता है इसको। तो ये क्या करता, इस 2 को ले लेता, तो 2 5 इसको रिटर्न कर देता, इसमें से जो भी बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है कि यूनिपाथ कैसे निकलेगा, कि रूट का वैल्यू ले लो प्लस मैक्स ऑफ यूनि लेफ्ट, यानी कि इसको क्या चाहिए, यूनि लेफ्ट चाहिए, यूनिक पाथ का जो लेफ्ट जो और यूनि राइट में से जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको चाहिए। और यूनि लेफ्ट हमारा किस वाले में था, हमारे सेकंड पेयर के सेकंड वाले में है, पेयर के सेकंड वाले में आएगा। अच्छा तो इसमें एक और चीज़ थी, जैसे कि मान लो ये लेफ्ट यूनि लेफ्ट ले रहा है, यूनि राइट ले रहा है। अच्छा मान लो दोनों ही नेगेटिव अगर रिटर्न कर रहा है, तो मान लो ये भी नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, ये भी नेगेटिव रिटर्न कर रहा है। तो अगर दोनों नेगेटिव रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या नेगेटिव को किसी को भी कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों अगर नेगेटिव है तो उसको जीरो भी कर दो। तो मैक्सिमम लिख दो 0, यूनिलेफ्ट और यूनिलेफ्ट। अगर ये दोनों नेगेटिव होगा तो 0 चला जाएगा। सेम तुम यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे 3 कर रहे हैं ना इनको मैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी तुम क्या कर दो, इनको 0 कर दो। जैसे कि हम ले रहे थे ना यहाँ पर इनका, ये LST फर्स्ट ले रहे थे, तो जैसे LST तुम फर्स्ट ले रहे हो, अगर ये नेगेटिव होगा तो तुम इसको क्यों लोगे, तो इसको क्या कर दोगे, मैक्स ऑफ 0, दिस कर दोगे। अब इसमें क्या कर दोगे, मैक्स ऑफ 0, यानी कि तुम जोड़ रहे हो ना मैक्स पाथ में, मैक्स पाथ का रूट का वैल्यू जोड़ रहे थे, और मतलब मैक्स पाथ में तुम क्या जोड़ रहे थे, इस पूरे को जोड़ रहे थे, फिर इधर से जोड़ रहे थे। अब तुम इधर से क्यों जोड़ोगे अगर ये नेगेटिव हुआ तो, इधर से जो भी, जैसे कि हम इधर से क्या जा रहा था तुम्हारा 10 जा रहा था ना, अगर 10 नहीं जाकर नेगेटिव जाता तो इसमें क्यों जोड़ते, अगर यहाँ सर 27 ना जाकर नेगेटिव जाता तो क्यों जोड़ते। 10 और 27 जो है तुम्हारा यूनिपाथ वैल्यू है, समझना, 10 और 27 यूनिपाथ वैल्यू है, 12 तो तुम्हारा मैक्सिमम है। तो तुम क्या करते, जो क्या करते यहाँ से, अगर ये -10 होता इसको नहीं जोड़ते, -27 होता नहीं जोड़ते, तो तुम क्या जोड़ते, -10 होता तो, इसलिए हमने क्या करा 0, इस ए वाली वैल्यू। तो देखो 0, LST फर्स्ट, ठीक है, LST फर्स्ट जोड़ लिया, और इधर भी तुमने इस तरीके को जोड़ लिया, ठीक है। हाँ मतलब कि तुम्हारा अगर ये तुम्हारा अगर नेगेटिव हुआ तो तुम 0 के साथ जोड़ोगे, ये भी नेगेटिव हुआ तो 0 ही जोड़ोगे। तो अब देखो, अब तुम्हारा यूनिपाथ में क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया, यूनिपाथ तुम्हारा क्या होगा, जो रूट का वैल्यू है उस, मतलब इसको देने के लिए रूट का वैल्यू तो तुम्हें जोड़ना ही पड़ेगा, तो रूट का वैल्यू तुमने जोड़ लिया। और तुम्हें क्या जोड़ना पड़ेगा कि लेफ्ट में से अगर कुछ आ रहा है और राइट में से कुछ आ रहा है, लेफ्ट में से राइट में से अगर दोनों नेगेटिव है तो 0 भी चलेगा। तो इसमें तुम क्या कर लो, मैक्स लगा लो, और तुम क्या कर लो कि यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, यूनिपाथ लेना। तो यूनिपाथ जो था हमारे फिस में स्टोर था, हमारा जो है सेकंड में स्टोर था, तो LST का सेकंड था एंड कॉमा RST का सेकंड, RST डॉट सेकंड, या तो 0, इन तीनों में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्स में जुड़ जाएगा, यानी कि जो भी बड़ा होगा वो वाला कनेक्शन बन जाएगा और ए पाद बन के इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिपात बन जाएगा इस तरीके से, किसी का भी यूनिपात बन जाएगा। तो ये तुम्हारा यूनिपात बन गया। अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना होगा कि ये मैक्स पात और यूनिपात। तो तुम कर देगा मैक्स पात कॉमा यूनिपात, इसको रिटर्न कर दोगे। अच्छा अगर नल हुआ, अगर नल पे पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, ये नल पे पहुंच गया, नल है और इधर भी नल है, तो इस पर एक बेस कंडीशन भी तो लिखना पड़ेगा कि अगर नल है तो तुम क्या रिटर्न करोगे। बोला इफ रूट अगर नल है, देखो अगर तुम्हारा रूट नल है तो तुम क्या रिटर्न करोगे, बताओ क्या रिटर्न करोगे। अगर रूट नल है तो रिटर्न क्या करोगे, तो रिटर्न तुम क्या करोगे, जैसे रूट नल है तो तुम्हें दो चीज़ रिटर्न करनी है, एक तो मैक्सिमम रिटर्न करना है, एक तो मैक्सिमम रिटर्न करना है, एक यूनिपाथ रिटर्न करना है। तो सोचो अगर यहाँ पे एन है, मतलब नल है, तो तुम यूनिपाथ क्या रिटर्न करोगे, यूनिपाथ, यूनिपाथ मतलब कि लेफ्ट से उसकी कितनी वैल्यू आ रही है, तो यूनिपाथ तो तुम्हारा 0 हो गया, यूनिपाथ 0 ही आएगा, कुछ है नहीं तो यूनिपाथ क्या ही रिटर्न करोगे। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू तुम क्या रिटर्न करोगे, अगर क्या तुम मैक्सिमम वैल्यू 0 रिटर्न करना चाहते हो, यहाँ पर सोचो मैक्सिमम वैल्यू 0 रिटर्न अगर करोगे तो बाद में अगर नेगेटिव आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब जैसे मान लो ए इसको क्या रिटर्न करेगा, ए इसको नेगेटिव करेगा, लेकिन तुमने जब यहाँ पे 0 था तो इसलिए इसको तुम नेगेटिव नहीं कर सकते।
अगर नहीं समझे तो देखो, अगर मान लो इसने जीरो रिटर्न कर दिया, ठीक है, इसने जीरो रिटर्न कर दिया, फिर मान लो यहाँ पे भी निगेटिव होता तो ये इसको क्या रिटर्न करता? ये दोनों जब कंपेयर करते हैं तो जीरो और माइनस टू में से, जीरो और माइनस टू में से क्या रिटर्न कर देता है? ये तो भाई जीरो रिटर्न कर देता ना, नहीं समझ रहे हो? ये जीरो रिटर्न कर देता तब। जैसे मान लो इधर इधर वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है और इधर वाला है, तो देखो इधर वाला अगर नहीं है तो नल है, तो ए इसको क्या रिटर्न कर रहा होता? जीरो। ए इसको मान लो माइनस टू रिटर्न कर रहा होता क्योंकि है, तो ये इसको माइनस टू रिटर्न कर रहा है, ये जीरो रिटर्न कर रहा है। ये क्या करेगा? इस जीरो को पकड़ लेगा क्योंकि जीरो दोनों में से जीरो मार्क्स है। तो अगर कुछ है नहीं और ये जीरो रिटर्न कर रहा और इसको ये एक पाथ मान रहा है ना, तो तब इसमें दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए जो है इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे कि माइनस के रिटर्न्स हो रहा ज़्यादा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर रिटर्न के लिए, इंट मेन कर लो सबसे छोटी वैल्यू, इंट मेन, क्योंकि मैक्स कंपैरिजन हो रहा है ना, तो जीरो को भी कंसीडर कर लेगा अगर हमने जीरो दे दिया, तो इसलिए सबसे छोटी वैल्यू ले लो। और जो अगली वैल्यू है वो तो जीरो ही रहनी चाहिए क्योंकि वो जो है सम है, तो वो जीरो ही रहनी चाहिए। तो देखो इसको कोड करते हैं, एकदम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको कोड करते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, काफ़ी ओके कोड देखते हैं, कोड वाला पार्ट, ठीक है। तो किस तरीके से इसका कोड कर सकते हैं हम? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें क्या करना था, दो पेयर बनाना था और इस फंक्शन को लेफ्ट के लिए अलग से कॉल कराना था और राइट के लिए अलग से कॉल कराना था, ठीक है ना। तो बना लेते हैं जल्दी से। तो दो पेयर बनेगा, सबसे पहले पेयर, और पेयर किस टाइप का बनेगा? इंट कॉमा इंट टाइप का बनेगा, ठीक है, इंट कॉमा इंट टाइप का बनेगा, जिसमें जो है तुम्हारी दो टाइप की वैल्यूज होंगी, ओके। एक हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम पाथ, एक हो जाएगा तुम्हारा यूनिपाथ, ओके। एक हो जाएगा मैक्स पाथ और एक हो जाएगा यूनिपाथ। पहला वाला मैक्स पाथ है, दूसरा वाला यूनिपाथ है। इसका नाम रख दिया LST। और LST में जो है क्या आएगा, जो भी तुम्हारा LST है उसको ध्यान रखो, और LST में तुम्हारा आ जाएगा छोटे वाला सबट्री है ना, उससे वाला सबट्री है ना, उसको कॉल करा जाए। इसमें इक्वल्स टू होगा, और इक्वल्स टू होके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉल करा दो। किसके लिए कॉल करा दो? इसको कॉल करा दो तुम रूट के लेफ्ट के लिए, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करा दो इसे, ओके कॉल, ठीक है। और सेम तरीके से तुम इसको कॉल करा दिया, ओके। तो देखो ये हो गया राइट सेप्टरी के कॉल, और इसका जो है RST लिख देते हैं, इसका राइट सेप्टरी के लिए कॉल करा दिया, ठीक है, जिसमें हम कॉल करेंगे राइट को, रूट के राइट को कॉल करा देंगे, ठीक है। तो हमें देखो दो पेयर बनाना था, दोनों पेयर बना लिया, हमें इसके राइट के लिए कॉल कराना था, उसका राइट कॉल करा लिया, और जो कि जो भी रिटर्न करेगा LST में आएगा, RST में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें जो है जो पेयर में रिटर्न करना था, एक मैक्स सम पाथ, एक है यूनिपाथ, ठीक है। तो मैक्स पाथ एंड यूनिपाथ दोनों को बना लेते हैं। तो इंट पहला है मैक्स पाथ, तो मैक्स पाथ कैसे बताया था मैंने, मैक्स पाथ मैंने बताया था कि मैक्स पाथ हो जाएगा तुम्हारा तीन चीज़ों से में से किसी एक चीज़ का, है ना, तीन में से किसी एक चीज़ का तुम्हें करना पड़ेगा मैक्स पाथ जो भी कर रहे हो तुम, ओके। तो वो होगा, पहला वाला तो होगा तुम्हारा जो रूट का वैल्यू है, मतलब कि जो नोड से पास होता हुआ जो है, तो रूट का वैल प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा तुम्हारा LST का सेकंड। LST क्या है? यूनिपाथ। तो किसी भी एक साइड का यूनिपाथ जो भी मैक्सिमम होगा उसको लेना है तुम्हें, है ना। तो रूट का वैल्यू लेफ्ट वाले का भी जोड़ लो, राइट वाले का भी जोड़ लो, हाँ। तो जैसे कि हमें करना है LST.second, है ना, LST.second। अच्छा, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको नहीं लेना है, तो तब उसको जीरो मान लेना। तो उसके लिए तुम क्या कर लो, इधर जीरो कॉमा इसको कर लो LST.second इस तरीके से, हाँ हाँ, तो कॉमा लगा लो, और सेम तरीके से इसको कॉपी कर लेता ताकि वो, हाँ। तो ये हो जाएगा, ये जो एक हो जाएगा LST, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा RST के लिए। ये क्या हुआ, तुम्हारा नोड से पास होता हुआ मैक्सम बना, यानी कि उस नोड को लेता हुआ मैक्सम बन गया, यानी कि अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये वाला बना, जैसे इधर से 15 आया, इधर से 7 आया, तो 15 27, लेकिन हो सकता है ये 20 ना होकर माइनस 20 होता, तो ये वाला 15 और ये वाला 7 भी लेना पड़ता तुम्हें, तो वो चीज़ लो।
कॉमा, तो ये वाला 15 किस में होता, ये जो 15 है वो तुम्हारा होता जो कि तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट नहीं फर्स्ट वाला पार्ट होता, तो वो तुम्हारा क्या होता LST डॉट फर्स्ट कॉमा RST डॉट फर्स्ट, जो कि ये फर्स्ट क्या होता, ये मैक्स पाथ होता है जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, यही है यही होता, तो एस टी डॉट फर्स्ट होता। ये तुम्हारा इतना काम हो गया, तुम्हारे यहाँ तक फर्स्ट हो गया, तुम्हारा ये अपडेट कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, यूनिपाथ को अपडेट करना है, यूनिपाथ को अपडेट करना है। यूनिपाथ क्या होगा कि जैसे मान लो इसको यूनिपाथ देना है, इसको रिटर्न करना है यूनिपाथ, तो यूनिपाथ तेरा क्या होगा, या तो इधर वाले से यूनिपाथ होगा या तो इधर वाले से यूनिपाथ होगा। तो देखो यूनिपाथ अगर देना ही है तो ये वाला वैल्यू तो जोड़ना ही होगा ना, तो सबसे पहले रूट का जो वैल्यू है वो तो जोड़ना ही होगा, तो रूट का वैल्यू जोड़ दिया मैंने, और उसके साथ साथ क्या देना होगा तुम्हें, रूट का वैल्यू तुमने जोड़ ही दिया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि LST सेकंड और RST सेकंड, यानी कि हमें अब यूनिपाथ का ही लेना है ना, यूनिपाथ लो कि इधर वाले का जो यूनिपाथ था बोलो, इधर वाले का जो यूनिपाथ था बोलो, तो इधर वाले का यूनिपाथ किस में होगा, LST डॉट सेकंड में होगा, तो वो लेना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी नहीं लेना है, तो यहाँ पे कर लो मैक्स ऑफ दो चीज़ क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा तुम्हारा जीरो, या तो तुम्हारा LST का सेकंड, LST का जीरो, या तो तुम्हारा LST का सेकंड। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि मान लो या तो तुमने, एक नेगेटिव होता तो इसको नहीं लेते जीरो लेते, अगर नेगेटिव नहीं है तो इसको तुम ले लेते, तो अगर इसको ले लोगे तो ए वाला हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले तो क्या करा, रूट का वैल्यू इस वाले को और इसको, ठीक है, इसमें को जोड़ के देख लिया है ना, तो तुम्हें या तो इसको लेना था या तो इसको लेना था, और ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो तुम जीरो भी ले सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, LST डॉट सेकंड कॉमा RST डॉट सेकंड, यानी कि जो बड़ा होगा उसी को लोगे, अगर ए वाली इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला लोगे तो ऐसा बन जाएगा यूनिपाथ, इधर वाला बड़ा तो ऐसा बन जाएगा यूनिपाथ, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो यूनिपाथ चाहिए ना, तभी तो वो सेम पाथ होगा, तब इधर का कंसिडर करेंगे। ठीक है, यूनिपाथ भी बना लिया, और यूनिपाथ बना लिया तो अब तुम्हें क्या करना है, यूनिपाथ अगर बना लिया है तो तुम्हें क्या करना होगा कि अब रिटर्न करना होगा, रिटर्न क्या करोगे तुम, रिटर्न करोगे तुम जो भी तुम्हारा मैक्स पाथ सम है ना, जो भी तुम्हारा मैक्स पाथ सम है ना, जो भी तुम्हारा मैक्स पाथ सम है उसको, तो ये मैक्स पाथ सम हो गया, रिटर्न करना है, अरे रिटर्न करना है, रिटर्न रिटर्न या नहीं, रिटर्न तो तुम्हें एक पेयर करनी पड़ेगी ना, तो ठीक है उस पेयर को रिटर्न करते हैं। तो पेयर में पहला क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा मैक्स पाथ, ठीक है, पहला हो जाएगा मैक्स पाथ और कॉमा दूसरा हो जाएगा यूनिपाथ, लिख लेते हैं यूनिपाथ, ये तुम्हारा इसमें से रिटर्न होगा। ठीक है, यूनिपाथ तुम्हारा जो है रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो बताया था कि अगर नल हुआ तो देख उसको लिख दो, इफ अगर तुम्हारा रूट नल हो गया, अगर रूट नल हो गया तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तो तुम्हें एक पेयर रिटर्न करना पड़ेगा, जो पेयर होगा पहला तो इंट मीन होगा, क्यों होगा बता दिया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्स का कंपैरिजन चला था, पहला वाला तो, और दूसरा वाला तो तुम्हें वैल्यू ही रिटर्न करनी है, तो ठीक है एक बार और देख लेना तुम। अच्छा, ये मेन फंक्शन में नहीं लिख सकते, इसका दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इंट फंक्शन नहीं है, हमारा जो है पेयर वाला फंक्शन है, तो इसको जो है इसको जो है अपना एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि तो एक पेयर टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेयर रिटर्न कर रहा है, तो पेयर ऑफ इंट रिटर्न कर रहा है, इंट कॉमा इंट, ये तो पता ही होगा कि क्यों हो रहा है, तो इसका नाम तुमने क्या रखा, अच्छा इसका नाम रख लो मैक्स पाथ, मैक्स पाथ रख लेते हैं, और इसमें क्या क्या होगा, इसमें भी एक रूट ही आ रहा होगा बस, ट्री नोड स्टार रूट आ रहा होगा इसमें, और इसी में ही हमें जो है वो चीज़ रखनी थी कंट्रोल भी, ठीक है, तो इसका होगा। अच्छा, तो हमने मैक्स पाथ सम लिख दिया था ना, तो सम इसमें से मिटा देते हैं, क्योंकि तो हमने अपना एक अलग से बना लिया था, अब इसमें तुम क्या कर दो उसको कॉल करा लो बस, तो इसको कॉल करा लो मैक्स, अच्छा रिटर्न भी लिख दो डायरेक्ट रिटर्न, और क्या कर दो मैक्स
क्या करना पड़ेगा, जो भी तुमने उसका बाद बनाया मैक्स पाथ बनाया है, तो मैक्स पाथ अब इसमें तुम क्या दोगे, रूट, ठीक है। अच्छा ये जो भी रिटर्न करेगा, तुम्हें क्या रिटर्न करना था, तुम्हें तो उसका वैल्यू रिटर्न करना था कि मैक्सिमम पाथ क्या हुआ। तो मैक्स पाथ हमारे किस में था, मैक्स पाथ हमारी पेयर के पहले वैल्यू में था, तो मैं इसका डॉट फर्स्ट, ये समझ में आया कि देखो ये जो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ये तो एक पेयर रिटर्न करेगा ना, अगर ये पेयर रिटर्न कर रहा है तो उस पेयर का फर्स्ट वाले वैल्यू हमारा आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारी मैक्स सम और दूसरी वाली वैल्यू है यूनिपाथ, ठीक है। तो हमें मैक्स सम ही रिटर्न करना था, हमने रिटर्न कर दिया। एक बार रन करा कर देखते कोई एरर है कि नहीं। तो इंट मीन कॉमा जीरो है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्यों गड़बड़ दे रहा है। अच्छा रिटर्न नहीं लिखा है, रिटर्न करना था ना उसको, तो देख लो। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रहा है, इंट मैक्स पाथ, अच्छा तीनों चीज़ें लिखा है शायद इसलिए गड़बड़ दे रहा है ना। इसको जो है एक ब्रैकेट बना के रख लो यार, क्या दिक्कत है। इसमें एक ब्रैकेट बनाया, इसमें बनाया, और अच्छा, इन तीनों को प्लस करना था ना पहले। तो देखो पहले जो है रूट का वैल्यू प्लस होना था, ये मैक्सिमम का प्लस होना था, और ये प्लस होना था, ठीक है। ये प्लस है, तीनों प्लस होगा, और इधर जो है इसमें लग जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया, रन कराते हैं। अच्छा अब इसमें तो इसमें था, तो इसमें था तुम्हारा रूट का वैल्यू होगा, यूनिपाथ है ना, इसमें रूट का वैल्यू होगा इक्वल्स टू रूट का वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ थ्री चीज होगा। अच्छा तीन ले रहे हैं तो यहाँ पे वो वाला ब्रैकेट लगा दो, काम कर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत देता है ऐसा। हाँ तो अब काम कर जाएगा, वो मैक्स फंक्शन की थोड़ी वो है। देखो एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो एक्सेप्टेड हो गया, तो ये हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा शायद आप लोगों को कहीं कहीं समझ में नहीं आया होगा, बस इतना समझ रखना कि एक वैल्यू हम बना रहे हैं मैक्स पाथ, ठीक है, और दूसरी वैल्यू एक वैल्यू बना रहे हैं मैक्स पाथ, जो क्या कर रहा है कि उस किसी भी नोड के लेफ्ट में जो भी मैक्स पाथ बन सकता है पॉसिबल उसको रिटर्न करा जा रहा है, और दूसरा वैल्यू हम पास कर रहे हैं क्या कि दूसरा वैल्यू पास कर रहे हैं कि चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हम दूसरा वैल्यू पास कर रहे हैं कि इसके पास जाने के लिए, यूनिपाथ बनाने के लिए हमें अगर थोड़ा सा कम भी कोई वैल्यू है तो उसको पास कर रहे हैं ताकि वो यूनिपाथ बना सके। तो यूनिपाथ अलग है और मैक्स सम अलग है, ठीक है। तो उसको एक पेयर बना के हम इस तरीके से रिटर्न करा रहे हैं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, वरना वीडियो को हो सकता है तो दोबारा देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर।